सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। प्रदेश सरकार की उदासीनता के कारण विभागों में भ्रष्टाचार विकराल रूप लेता जा रहा है। सब कुछ जानने के बाद भी शासन प्रशासन में बैठे उच्च अधिकारी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने में संलिप्त हैं। ताजा मामला नेशनल हेल्थ मिशन में सामने आया है। यहाँ ऊपर से नीचे तक फैले भ्रष्टाचार के कारण पूर्व में NHM संविदा भर्ती धांधली मामले में टर्मिनेट हुए महाप्रबंधक संदीप सक्सेना कुर्सी पर मलाई काट रहे हैं। NHM में उच्च अधिकारियों की करतूतों से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो भ्रष्टाचार की सभी सीमाएं समाप्त हो चुकी हैं। यहाँ कोई नियम और कानून रह ही नहीं गया है। टर्मिनेट होने के बावजूद लगातार भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे महाप्रबंधक के कार्यालय में लगातार बने रहने की जानकारी हुई तो दफ्तर पहुंचकर इसकी हकीकत जानी गई। यहाँ महाप्रबंधक संदीप सक्सेना बकायदा कुर्सी पर आराम फरमा रहे थे। इतना ही नहीं, विभाग के कई अधिकारी उनके साथ पूरी सब्जी खाने में मस्त थे। सामने आए इस वीडियो में हैरान कर देने वाली बात यह है कि बगल में ही निदेशक MD और अन्य अधिकारियों का भी दफ्तर है, लेकिन इन सभी अधिकारियों को इस बात की भनक तक नहीं है या फिर वह सब कुछ जानकर भी अनजान बने हुए हैं और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। मामले को लेकर परिवार कल्याण मंत्री के नंबर पर संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उनके नंबर ऑफ मिले। वहीं NHM निदेशक को भी कई मर्तबा फोन मिलाया गया, लेकिन उन्होंने फोन उठाना मुनासिब नहीं समझा। उच्च अधिकारियों की उदासीनता उनके कारनामों से साफ झलकती है। चिंताजनक बात यह है कि प्रदेश सरकार ने अधिकारियों को शिकायतें सुनने के लिए CUG नंबर दिए हैं, लेकिन अधिकारियों की कौन कहे, खुद मंत्री जी का नंबर ऑफ रहता है। यदि किसी तरह फोन चला भी गया तो रिसीव करने का समय नहीं है। क्या है मामला, बताते चलें कि 22 जुलाई 2017 को NHM ने 4072 पदों के लिए ऑनलाइन विज्ञापन जारी किया था, जिसमें ANM, स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट समेत अन्य पदों पर आवेदन मांगे गए थे। इसमें तकरीबन 93,000 अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था, लेकिन जब 22 दिसंबर को ऑनलाइन रिजल्ट जारी हुआ तो न्यूनतम अंक होने के बावजूद अभ्यर्थियों को चयनित दिखा दिया गया। जब मामले का खुलासा हुआ तो विभाग से लेकर सरकार तक हड़कंप मच गया। आनन फानन में परिवार कल्याण मंत्री रीता बहुगुणा जोशी ने महाप्रबंधक को टर्मिनेट करते हुए सभी कार्य वापस लेने का आदेश दिया था। बताते चले कि महाप्रबंधक के साथ ही अन्य 15 को भी हटाया गया था। सरकार के आदेश ठेंगे। भर्ती में धांधली सामने आने के बाद से टर्मिनेट चल रहे महाप्रबंधक HR मंत्री के आदेशों को ठेंगे पर रख कार्यालय में ही कुर्सी पर बैठकर मलाई काट रहे हैं। NHM के पैरा मेडिकल स्टाफ की भर्ती में सक्सेना पर धांधली के गंभीर आरोप लगाए गए थे। जो भी हो, महाप्रबंधक को इस बात से कोई फर्क नहीं है कि उन्होंने धांधली की थी और उनको टर्मिनेट किया गया है। वह इसके बाद भी कार्यालय में खुलेआम भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने में लिप्त है। हालांकि उनके इस खेल में और भी उच्च अधिकारी संलिप्त हैं, जो दफ्तर में ही बैठकर उनके साथ रणनीतियां बनाया करते हैं और कामकाज छोड़कर मौज काटते हैं। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।